वी आर नॉट जस्ट द सेलर ऑफ टी, वी सेल वाइन। पीते अगर सबसे ज़्यादा कुछ लोग हैं तो पानी के बाद चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है। पिताजी का कहना था कि यूपीएससी की तैयारी करो, तो जगह हमने जो फाइनल की वो एक गर्ल्स हॉस्टल के पास में फाइनल की, जीरो सैलरी से 2 महीने काम करके। मतलब हम लोग एक टिफिन में चारों लोग खाते थे। एक शॉप ओपन की, इतनी भीड़ लगती थी कि हम लोग 4-5 लोग खड़े होकर बस रोड से लोगों को साइड करते थे। हम लोग की फ्रेंचाइजी की जर्नी स्टार्ट हुई, एक से लेके अभी 150 करीबन होने वाले हैं हम लोग। अभी हम लोग करीबन 1000 लोग हैं, तकरीबन 3 लाख कूलर एक दिन में यूज़ करते हैं हम लोग। हेलो, मैं हूं अनुभव दुबे। 9वीं क्लास में इंदौर आया था मैं, महर्षि विद्या मंदिर से कोलंबिया कॉन्वेंट आया, यहाँ पे हॉस्टल में रहा। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बने, परिवार ही दोस्त बन गए। तो 9वीं क्लास से पढ़ते पढ़ते 11वीं में मेरी आनंद से मुलाकात हुई 11th में, और हम दोनों कॉमर्स के स्टूडेंट थे। तो ऑन फील्ड मतलब स्टडीज़ में छोड़ के ऑफ फील्ड हम लोग का ज़्यादा वर्क चलता था। ऑफ फील्ड मतलब हम लोग आपस में पॉकेट मनी लोगों की लेके 200-300 रुपये ले के सबसे मोबाइल खरीदते थे। यहाँ पे नोवेल्टी मार्केट है इंदौर में, सेकेंड हैंड मोबाइल का मार्केट है, मोबाइल का शौक भी बहुत था। तो मोबाइल खरीदते थे और उस मोबाइल को यूज़ करते थे, और जिस जिसने पैसे दिए रहते थे सबको मोबाइल यूज़ करने को मिल जाता था। और जब फिर मोबाइल यूज़ करने के बाद तृप्ति हो जाती थी, संतुष्ट हो जाते थे कि हाँ भाई मोबाइल यूज़ कर लिए, नया नया मोबाइल यूज़ कर चुके हैं, तो उस मोबाइल को प्रॉफिट में हम लोग बेच देते थे। तब हम लोग को ये चीज़ क्लिक हुई कि अगर हम लोग को फंडिंग मिल सकती है और अगर हम लोग फंडिंग को यूटिलाइज करके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम लोग धंधा कर सकते हैं। तो आनंद से मेरी जो दोस्ती हुई थी एक कलेश के थ्रू हुई थी, हम लोग के बीच में ऐसे झगड़ा हो गया था। उसके बाद में धीरे धीरे बॉन्ड अच्छे होते गए, हम लोग साथ में हैंग आउट करने लगे। हम लोग कहीं पर भी गेड़ी मारने जाते थे, तो क्योंकि अब सबकी अलग अलग गर्लफ्रेंड रहती थी लेकिन पैसा सबके पास लिमिटेड रहता था, एक बाइक रहती थी, तो सब एक ही बाइक में 20-20, 30-30 रुपए का पेट्रोल डलवा के एक ही बाइक से घूमने जाते थे ट्रिपलिंग करके। तो हम लोग के बॉन्ड वहाँ से अच्छे होने लगे। एक साथ ही खर्च करते, तो डायरी में लिखते जाते थे कि 10 रुपए तूने दिए थे आज, 10 रुपए तूने दिए थे, फिर आखिरी में मंथ एंड में जाके हम लोग हिसाब कर लेते थे। हम लोग की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हुई कि मतलब केमिस्ट्री इतनी अच्छी हुई कि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे समझने लगे कि अगर कोई डिसीजन भी लेना है तो एक दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको पता रहता था कि ये भी सेम यही चीज़ सोचेगा, मैं भी यही सेम चीज़ सोचता हूँ। उसके बाद में पिताजी का कहना था कि यूपीएससी की तैयारी करो, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए। काफ़ी सोशल इनिशिएटिव के बारे में यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद में जानने को मिला। वो चीज़ बैक इन माइंड में थी और उसके साथ हम लोग को बिज़नेस करना था। तो जब हम लोग जब मैं दिल्ली से वापस आया इंदौर, तो आनंद के साथ हमने चाय का स्टार्ट किया। मैंने और आनंद ने डिसाइड किया कि चाय का हम लोगों को बिज़नेस करना है। चाय इसलिए क्योंकि चाय सबसे ज़्यादा इंडिया बस नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाय का कंजप्शन होता है बेवरेजेस में। पीते अगर सबसे ज़्यादा कुछ लोग हैं तो पानी के बाद चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है। इसलिए हम लोग को लगा चाय को मार्केट करना ज़्यादा टफ नहीं है, आप बहुत इजीली मार्केट कर सकते हो चाय को, सेल करने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो हम लोग ने चाय चूज़ किया, और फिर हम लोग को ये लगा कि चाय तो सब बेचते हैं, हम अलग क्या करें। तो हम लोग ने कुल्हड़ चूज़ किया, फिर देखा कई जगह पे आउटस्कर्ट्स में गाँव में कुल्हड़ भी चलते हैं, तो एज क्या है, मार्केटिंग एज क्या है। तो हमने फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, तो करीबन 7 फ्लेवर्स हमने स्टार्ट किए, चॉकलेट अदरक इलायची मसाला रोज़ पान तुलसी, 7 दिन के लिए 7 फ्लेवर चालू किए। तो जब हमने फाइनल के लिए कि हमको चाय बेचनी है, लेकिन अभी हमको फाइनल करना था कौन से मार्केट में बेचनी है, तो क्योंकि हम लोग खुद भी यूथ हैं तो हम लोग को लगा कि हम लोग यूथ से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और उनके टेस्ट बड को ज़्यादा ईजिली, उनके वाइब को ज़्यादा ईजिली हम लोग समझ पाएंगे। तो हम लोग ने भंवर गोवा चूज़ किया क्योंकि वो स्टूडेंट हब है इंदौर का, तमाम कोचिंग्स है वहाँ पे और हर जगह से स्टूडेंट वहाँ पे आते हैं। आप एक कोटा बोल सकते हैं मध्य प्रदेश का उसको। तो हम उस पर्टिकुलर हॉटस्पॉट पे गए, वहाँ पे हमने जगह हंट की। तो जो हम लोग को जगह हमने जो फाइनल की वो एक गर्ल्स हॉस्टल के पास में फ़ाइनल की। वो हम गर्ल्स हॉस्टल में के बगल में इसलिए फ़ाइनल किया हमने क्योंकि हमको पहले अपने गर्ल्स क्राउड चाहिए था, क्योंकि गर्ल्स का अगर अपने पास में अपनी कस्टमर्स बन जाते हैं तो बॉयज़ बड़ी इजीली आ जाते हैं और कस्टमर बन जाते हैं। तो एक तो हमने इसलिए वैसे चालू किया। आनंद और मैं तो साथ में कर ही रहते, साथ में फिर बाद में एक हम लोग के साथ में राहुल आया। राहुल से
हम लोग की मुलाकात हुई थी जब हम लोग गोवा जा रहे थे, तो हमारे साथ में गया था। तो बड़ा ही मेहनती था, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ पे हमारे साथ लगा हुआ था। तो हमने बोला ठीक है चलो अभी ये साथ में, तो अभी साथ में रहेगा। तो फिर अनुभव आनंद और राहुल का एक ट्रियो बन गया, तब से वो साथ में है। और मनोज, हम तीन के अलावा जो चौथा पिलर था स्टार्टअप का वो मनोज था। मनोज के बिना चालू नहीं किया जा सकता था। मनोज एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा भी नहीं है, ऑर्फन है वो, लेकिन बड़ा मेहनती। इससे पहले एक किसी डेंटिस्ट के यहाँ पे वो काम करते थे। फिर उसके बाद में आनंद का जो पुराना बिजनेस था कपड़े का, उसमें वो काम करते थे। फिर हमने उनको यहाँ पे लेके आए, हम बोले कि भाई हमको ऐसा ऐसा करना है, चाय बेचनी है, आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, जो तू पहले करता था वो नहीं कर रहे, लेकिन अब तेरे को ट्रेन होना पड़ेगा, एक चाय का उस्ताद बनना पड़ेगा। तो हम लोग उसको इंदौर के जितने भी अच्छे चाय के ठिए थे, जो जो जगह पर जिसने जिनने भी अलाउ किया, वहाँ पर भेजा और उसको ट्रेन करवाया। लेकिन उसको बोल दिया था स्पष्ट कि भाई देख, पैसे नहीं है अपने पास में, तो अभी तो हम फिलहाल तेरे को सैलरी नहीं दे पाएंगे, चलेगा? तो बोला हाँ चलेगा। बोले 2 महीने, बोले चलेगा। तो वहाँ से मनोज की स्टार्टिंग हुई। और आज मतलब ज़ीरो सैलरी से 2 महीने काम करके, मतलब हम लोग एक टिफ़िन में चारों लोग खाते थे, वहाँ से हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई। एक शॉप ओपन की, फिर उसके बाद में लोग हमारे पास में आने लग गए कि यार हम लोग बहुत मेहनत की, वो दुकान चल गई। दुकान कैसे चली? मार्केटिंग की हम लोग टैक्टिक्स यूज़ करते थे, बड़ी ही वेग टैक्टिक है, बड़ी ही जुगाड़ वाली टैक्टिक है। एक तो गर्ल्स हॉस्टल वाला मैंने आपको फंडा बताया, दूसरे मेरे बताया मैंने कि मेरे दोस्त बहुत थे यहाँ पे बचपन से, तो सारे दोस्तों को हम इनवाइट कर लेते थे, बोले कि भाई आ जाओ चाय सुट्टा बार पे, बढ़िया चाय और नाश्ता करना है यहाँ पे, फ्री में है वो, तो बगल में गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो सारे लड़के आ जाते थे और बैठे रहते दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बैठे रहते थे। अच्छा, लोगों को क्या लगता था कि बड़ी भीड़ है यहाँ पे, इतना क्राउड, इतना ताता जमा हुआ, क्या इतने लोग क्यों आ रहे हैं? तो उससे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप, एक तो नाम, दूसरी भीड़। तो जब क्यूरियोसिटी डेवलप हुई लोगों का, तो एक हम लोग को ब्रांड का एक्सपोजर मिल गया। और फिर हम लोग खुद भी बात करते थे आपस में, कहीं मॉल में चले, किसी ट्रैफिक में खड़े, किसी भीड़ भाड़ जगह में खड़े, तो आपस में हम लोग बात करते थे कि यार वो चाय सुट्टा बार सुना है क्या, बड़ा चल रहा है आजकल, कहाँ पे वो, कि चाय बहुत टेस्टी है, तो आपस में ही बात करते थे। तो एक बार आदमी को स्ट्राइक होगा, दो बार स्ट्राइक होगा, तो वो ब्रांड रिकॉल हो जाता है उसको, और वो बार बार उस चीज़ को हिट करता है, तो वो ज़रूर उस जगह पर आता है। फिर आपका प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, काम करना चाहिए। तो ऐसे लोग हमारे पास आने लग गए, बहुत तगड़ी चल गई दुकान, मतलब इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। इतनी भीड़ लगती थी कि हम लोग 4-5 लोग खड़े होकर बस रोड से लोगों को साइड करते थे कि भाई साइड जा, बगल में हॉस्पिटल है, गाड़ियाँ आती हैं, मतलब जो हमारी ये सर्विस रोड रहती थी बहुत, पूरी चौक रहती थी, हम डेली कंप्लेन हमारे नाम पर होती थी, इतनी भीड़ जाती थी। लोगों ने देखा, लोगों को पसंद आया, कई के पेरेंट्स ने देखा, उनको पसंद आया, तो हमारे पास आए, बोले कि यार ये हमारा लड़का पढ़ता लिखता नहीं है, इसका भी कुछ, इसको भी करवा दो। बोले बढ़िया करवा देंगे। और अच्छा, हमारा पहले से था, आनंद ने बोला था कि स्टार्ट करने के पहले कि चलो किसी की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, किसी की भी, मैकडॉनल्ड्स के लिए ज़्यादा जोर दे रहा था। तो मैंने बोला क्या फ्रेंचाइजी लेंगे, पैसे भी नहीं है और खुद की बनाएंगे फ्रेंचाइजी। तो हम लोग को ये था कि हमको फ्रेंचाइजी मॉडल करना है। तो जब हमारे पास लोग अप्रोच किए, तो हम बोले ठीक है, हम भी आपके लड़कियों को लगवा देते हैं इस चीज़ में। उनको सिखाया और 30,000 रुपये में कुछ में हम फ्रेंचाइजी हमने पहले दी कमल को, उनके दादाजी आए थे। आज कमल ऑलमोस्ट 3 शॉप का ओनर है। तो वहाँ से हम लोग की फ्रेंचाइजी की जर्नी स्टार्ट हुई, 1 से लेके अभी 150 करीबन होने वाले हैं हम लोग। तो अमेजिंग जर्नी रही, बहुत सारी चीज़ सीखी उस जर्नी में, करते गए, SOPs बनाते गए, काम करते गए, सुधार करते रहे, क्योंकि स्टार्टअप में सुधार निरंतर होना चाहिए, ऑन डेली बेसिस होना चाहिए। खुद को क्रिटिसाइज़ किया, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया, लड़े, और फिर एक रैशनल पॉइंट में पहुँचे कि भाई हमारे ये जो बच्चा है, हमारा जो कंपनी है, इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए, उसके लक्ष्य में हम लोग ने काम किया। इसके बाद में ऑफिस के लिए थोड़ा सा हम लोग रिलक्टेंट थे, मतलब रिलक्टेंट मतलब ऐसा कि आप ऑफिस में इतना पैसा कैसे खर्च करोगे,
ऑफिस महंगा पड़ता है, ऑफिस मेंटेन करना मुश्किल पड़ता है, ऑफिस में स्टाफ आता है तो उसकी सैलरी महंगी पड़ती है। हम लोग इतना ज़्यादा कश्मकश में थे कि हम लोग ऑफिस लेंगे तो लेकिन हम लोग खर्चा कैसे निकालें। लेकिन फिर एक दिन मीटिंग करते करते बाहर हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, फाइनली हम लोग को एक ऑफिस चाहिए। ऑफिस ऑफिस के लिए नहीं चाहिए, एक ऑफिस कल्चर बनाने के लिए चाहिए, जो हमारी टीम रहे, जो हमारा सेना रहे, वो सिर्फ और सिर्फ 400 बार के लिए काम करे, लग के काम करे, मेहनत करे उस चीज़ में। इसलिए हम लोग ने एक ऑफिस खोला क्योंकि वहाँ पे वाइब मैच करनी चाहिए लोगों की, हम लोग को देखें, समझे, एक दूसरे से बात करें, चीज़ें समझें कि ऑफिस में काम करके जो हम लोग से जुड़ा हुआ है, मेड बी द एंड यूज़र, हमारा कस्टमर, हमारे क्लाइंट जो हैं, सबको कैसे प्रॉफिट मिले। उसमें हम लोगों ने बहुत सारी टीम्स बनाई, फैट टीम बनाई, फ्रेंचाइजी एक्शन टीम बनाई, एक अकाउंट्स का सेक्शन है, एक फ्रेंचाइजी हेड्स है, नेशनल फ्रेंचाइजी हेड्स हैं, ऑपरेशंस का है, अभी डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का है। तो अलग अलग डोमेन में जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, एक आदमी से एम्प्लॉय करके स्टार्ट किया ऑफिस भी, ऑफिस में भी जो एक बंदा था उसी से स्टार्ट किया, अब करीबन 55 लोग हैं। तो ये ऑफिस की जर्नी है। तो चाय सुट्टा बार का जो बेसिक पिलर भी था वो भी यही था कि हम लोग को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, इसलिए हमने कुल्हड़ इंट्रोड्यूस किया। कुल्हड़ इंट्रोड्यूस करने का बहुत सारे रीज़न थे। एक रीज़न था तो कि वो बायोडिग्रेडेबल होता है, बहुत ईजिली डिकम्पोजेबल होता है, और आज हम दुनिया में ऐसा हमें लगता है क्योंकि इसका कोई वो नहीं है, एक डेटा नहीं है, तो ऐसा हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तकरीबन 3 लाख कुल्हड़ एक दिन में यूज़ करते हैं हम लोग। और टचवुड हम लोग ने कभी प्लास्टिक नहीं यूज़ किया, थर्मोकोल के जो कप्स आते थे वो यूज़ नहीं किया, नहीं तो आज हम लोग कितने पॉल्यूशन कर रहे होते। और हमने स्टार्टिंग में जो पानी के पाउच है, अभी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी 2-3 साल पहले बैन कर दिया, हमने उससे पहले ही नहीं यूज़ किया था। हमारे पास बहुत सारे आते थे लेकिन हम यूज़ नहीं करते, हम जल सेवा करते थे, फ्री में पानी पिलाते थे। तो वो सब चीज़ हम लोग को UPSC के प्रिपरेशन के थ्रू मेरे को जानने को मिली और वही चीज़ यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट की। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अभी मनोज पहला था और अभी हम लोग करीबन 1000 लोग हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है चाय सुट्टा बार में, और इनडायरेक्टली तो करीबन 500 परिवार हैं जो डायरेक्ट कुल्हड़ बनाते हैं, प्रजापति पॉटर्स कम्युनिटी जो इंडिया की हैं अपने। सिर्फ उनको सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता था दिवाली में और गर्मी में, मटके सुलाइए दिए बना के। अभी उनको परमानेंट रोज़गार मिल रहा है। पहले जब हम लोग गए थे कुल्हड़ लेने के लिए, मेरे को याद है, तो बड़ा मैंने उनसे बोला कि उनने मेरे से पूछा कितने कुल्हड़ चाहिए, तो मैंने बोला सर हम लोग को लगेंगे करीबन आप समझ लो 500,000 कुल्हड़ डेली के। तो बोले कि हंसने लग गए, बोले कि ऐसे तो बहुत लोग आ गए, बहुत व्यापारी आ गए ऐसे जो स्टार्ट करना चाहते हैं कुल्हड़ की चाय देना लेकिन कोई बेच नहीं पाता है। ठीक है, ये भी एक चैलेंज है। फिर कारवा बढ़ता गया, हम लोग काम बड़ी दयनीय परिस्थिति में रहते हैं, नाले के बगल में छोटी छोटी गली में, बच्चे काम करते हैं दिन भर, भट्टी में काम करना, तो बड़ी दयनीय स्थिति रहती है देख के। मतलब आप खुद भी देखें, कभी विज़िट करिएगा आप, आपके आसपास में कोई भी जगह हो तो वो स्थिति थी, वो परिस्थिति। हम लोग का काम धाम चलने लगे, हम उसमें व्यस्त हो गए। बड़े समय बाद, कुछ समय पहले गया जब मैं वहाँ पे, तो स्थिति ही बदल गई है वहाँ की, वहाँ का लुक ही बदल गया है। जब मैं गया तो पहले थाली में टी का चंदन लेके आए और बैठाया, काउच में बैठाया, बढ़िया सोफा पर ले लिया अब, तो वहाँ बैठाया और बोले कि पहले सिर्फ दिवाली के समय ही दिवाली मनती थी, अब हम लोग की डेली दिवाली है, अब हम लोग डेली काम करते हैं। आप कुल्हड़ अभी हम लोग पहले जब 500 कुल्हड़ की हमने डिमांड की थी और आज हम लोग 3 लाख कुल्हड़ एक दिन में कंज्यूम करते हैं, प्लस जो हमारे कॉम्पिटिटर्स इमर्ज हुए इस टाइम पे, जो आजकल आप मार्केट में हर जगह आपको कुल्हड़ चाय मिलेगी, तो उनसे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, जो डिमांड जनरेट हुई, उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ वो अमेजिंग, मतलब सब लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय जो भी आउटलेट्स में काम करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, BPL हैं, या तो डिसेबल्ड हैं, और या तो अनाथ हैं, इन्हीं 3 सेक्शन को हम रखते हैं जो हमारे कैफेज़ में, कैफेटेरिया में आप देखेंगे। चाय सुट्टा बार के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो चाय सुट्टा बार एक QSR मॉडल है। QSR इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, मतलब जो भी चीज़ जल्दी बन के मिल जाए, जैसे फास्ट फूड्स हो गए, मैगी हो गया, 2 मिनट बोलते हैं, लगती नहीं है 2 मिनट लेकिन 5-10 मिनट लग जाता है मैगी बनने में, मैगी हो गया, सैंडविच हो गया, चाय हो गया, हम लोग को तुरंत रेडी मिल जाती है चाय के सारे फ्लेवर्स रेडी में मिल जाते हैं। कई बार मेरे लोग पूछते हैं कि बेसिक मतलब चाय सुट्टा बार एज अ प्रोडक्ट क्या है, तो चाय सुट्टा बार एज अ प्रोडक्ट वी आर नॉट जस्ट द सेलर ऑफ टी, वी सेल वाइब। यहाँ का जो एनवायरमेंट है, यहाँ का जो हैपनिंग्स कल्चर है कि सारे यंग क्राउड आके बैठते हैं और
यंग का मैंने मतलब नॉट जस्ट फ्रॉम एज, मतलब जो लोग इस चीज़ को फील करते हैं, जो लोग यहाँ के एटमॉस्फेयर एंजॉय करना चाहते हैं नो मैटर उनकी एज क्या है, वो यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, यहाँ के माहौल का लुत्फ उठाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। ये है चाय सुट्टा पर का प्रोडक्ट वाइब। और आने वाले 5 साल का लक्ष्य जो है, जो गोल है, तो अभी तो करीबन 60 सिटीज़ में हैं इंडिया में, और दुबई में है, मस्कट में है, नेपाल में ओपन हो रहे हैं। लेकिन आने वाले 5 साल में हम लोग का ये उद्देश्य है कि हम लोग करीबन इंडिया के सारे शहर, और इफ़ नॉट एवरी सिटी ग्लोबली, अगर मार्केट में बात करें तो इफ़ नॉट एवरी सिटी देन 100% एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हम लोग को कवर करना है, इंक्लूडिंग ऑल द नेबर्स। तो इस चीज़ के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। जैसा देश वैसा भेस भी बनते हैं, उसी तरह से इनोवेट करते हैं, उसी तरह से डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। अगर आप पूछें कि बाकी और हटके क्या चीज़ अलग है, SOPs को हटा दें, ब्रांडिंग को हटा दीजिए, प्रोडक्ट्स को हटा दीजिए, क्वालिटी को हटा दीजिए, तो अलग क्या है, तो जो मंशा है हमारी वो लोगों से अलग है। लोग ज़रूर व्यवसाय के इससे इसमें उतरते होंगे कि हमको अच्छे पैसे छापने, और हमको ये हमारा बच्चा है तो इसको हमको बड़ा करना है, और आप सबका इसमें मेरे को आपसे सहयोग चाहिए, आपका पूरा सपोर्ट चाहिए इस परिवार को और इस बच्चे को जिसका पालन पोषण यही इंदौर से हमने स्टार्ट किया, आपने इसको इतना बड़ा कर दिया आज, तो इसको इसके मुकाम तक लेके जाइए। पूरे दुनिया में हम चाहते हैं कि जो भी चाय पिए वो हमारे देश की मिट्टी को छूमे और यहाँ का स्वाद चखे और इसकी दीवानी हो जाए, इससे मदमस्त हो जाए, यही हमारी कामना है, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारा विजन है। चाय सुट्टा बार का मैसेज अगर मैं दूँ, अगर चाय सुट्टा बार का गला होता तो वो आपसे, आप सब से, मतलब जितने लोगों ने भी सपोर्ट किया, एक ही चीज़ बोलता है कि आई लव यू यार। क्योंकि जो सपोर्ट हमको स्टार्टिंग से मिला आज तक, मतलब कितनी भी प्रॉब्लम चली गई हो, कितने भी अप एंड डाउन हमने देखे हो, कहीं पे भी आउटस्कर्ट्स में भी हमने अपनी शॉप खोल दी हो, किसी भी पहाड़ में जाके शॉप खोल दी हो, किसी भी सिटी में जाके शॉप खोल दी, आप लोग का जो रिस्पॉन्स रहा, आपकी स्टोरी की पोस्टिंग, आपके कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज, आपकी बातें एक दूसरे में जो आपने मार्केट में की, हमारे बारे में की, हमारी स्टोरीज एक दूसरे तक पहुँचाई, इसके लिए थैंक यू सो मच। इट मीन्स अलॉट, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या बोल सकूँ, बस थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए।